हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वर्षद लाल एंड यू आर वाचिंग यूनिक डिजिटल कैंपस। जैसे कि हमारा लेक्चर चला हुआ है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का, इसमें क्या करते हैं हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा है एक बार वो वाला रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूक्लियस हमारा कैसा होता है, उसकी क्लासिफिकेशन एंड कुछ छः हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ की थी। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एक बहुत ही छोटे वॉल्यूम के अंदर हमारा पूरा का पूरा मास और चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये मतलब ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है कंपैरिजन में किसके? इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रॉन क्या है? इसके इस तरीके से सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है? रिवॉल्व करता है। न्यूक्लियस बहुत हैवी है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, और इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्मॉल है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को जब न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स के लिए निकालते हैं तो हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ हम न्यूक्लियस की इक्वेशन को लेके चलते हैं। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या है हमारी? पैरिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की पैरिटी क्या है, कैसी है, ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में पता होना चाहिए। डी ब्रोगली सर ने हमें क्या बताया था? कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो वो इस तरीके से वेव प्रोपेगेट करता है। क्या करता है वो? इस तरीके से वेव प्रोपेगेट करता है। ये पार्टिकल इस तरीके, जब ये चलती है तो इस तरीके से पार्टिकल्स आते हैं इसके बीच में। ये क्या है हमारा मास एम। ये क्या थी हमारी? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। हम क्वांटम मैकेनिकली इसको देखें तो क्या क्वांटम मैकेनिक्स में हम किसी वेव फंक्शन को किस तरीके से डिनोट करते हैं? हम उसके अंदर साई को लेके चलते हैं। क्या ये इसको किस तरीके से लिखते हैं? पी एस आई। क्या बोलते हैं इसको? साई। ये क्वांटम मैकेनिकली है। जब हम इस वेव फंक्शन को, जब हम साई, इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं? एक्स वाई एंड जेड। ये क्या होते हैं? स्पेस कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे एक्स वाई जेड। अगर हम एक्स को रिप्लेस कर दें माइनस एक्स के साथ, वाई को रिप्लेस कर दें हम माइनस वाई के साथ, एंड जेड को हम रिप्लेस किसके साथ कर दें? माइनस जेड के साथ। देखिए इस तरीके से माइनस एक्स, माइनस वाई और माइनस जेड। क्या किया हमने? एक्स को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस किया है, वाई को माइनस वाई के साथ रिप्लेस किया है, और जेड को माइनस जेड के साथ रिप्लेस किया है। अब जो रिप्लेस किया है हमने इसको, अगर उसकी वैल्यू हमारी वापस से पहले वाली आ जाए, रिप्लेस करने के बाद जो हमारी पॉजिटिव में यही वाला वेव फंक्शन आ जाए, तो क्या होगी हमारी? इसके अंदर हमारी इवन पैरिटी होगी। वो किस तरीके से होगी वो भी हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। एक बार आप ये देख लें, जब हम इस रिप्लेस की हुई वैल्यू को, जब हम रिप्लेस की हुई वैल्यू, तो इसके ऑपोजिट आती है माइनस साइन के साथ, इस तरीके से आती है, तो हमारी कैसी पैरिटी होगी? ये होगी हमारी ओड पैरिटी। जैसे हम एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, साई माइनस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स का हम एग्जाम्पल लेते हैं। किसका एग्जाम्पल लिया? साइन एक्स का। इसको हमने रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स को माइनस एक्स के साथ, साइन एक्स को माइनस साइन एक्स के साथ। जो हमारी इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? नेगेटिव में साइन एक्स। तो इसका मतलब ये कैसी पैरिटी है? ये है हमारी इवन पैरिटी। इसके बाद हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? कोस एक्स का एग्जाम्पल लेंगे। कोस, इसको हम रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स के साथ, और कोस एक्स को किसके साथ रिप्लेस कर देंगे हम? माइनस कोस एक्स के साथ। जब हम इसको, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारी क्या आएगी?
जब हम इसका करेंगे तो पॉजिटिव में हमारी कोस एक्स आएगी, क्या आएगी, पॉजिटिव में कोस एक्स। तो ये कैसी पैरिटी हमारी, ये पैरिटी है हमारी ओड पैरिटी। कैसी पैरिटी हमारी, ओड पैरिटी। जब हम ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आई है, जब हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे, अगर पॉजिटिव में आती है तो कैसी पैरिटी होती है हमारी, इवन पैरिटी होती है। अगर इसकी वैल्यूज हमारी नेगेटिव के अंदर आती है तो कैसी पैरिटी होती है हमारी, ऑड पैरिटी। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पैरिटी ऑफ न्यूक्लियस। पैरिटी मतलब इसका जो हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी इसका जो फॉर्मूला बना लेते हैं हम, फॉर्मूला क्या होगा, माइनस वन इंटू एल। जो पैरिटी ऑफ न्यूक्लियस वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर। इसमें एल हमने क्या लिया है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्या लिया हमने, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो पैरिटी होगी वो हमारी एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगी। मान लो हमारी इवन पैरिटी है, इवन क्या होता है, हमारी इवन वैल्यूज 2, 4, 6। अगर हमारी इवन वैल्यूज़ को हम इसके अंदर रखेंगे एल की जगह पे, जैसे हमने 2 रख लिया, तो वैल्यूज़ किस में आएंगी, हमारी पॉजिटिव में आएंगी। देखिए इस तरीके से पैरिटी को अगर हमने रख लिया 4, तो हमारी पॉजिटिव में वैल्यूज़ आएंगी। तो एग्जांपल के साथ हमने देखा, इसके फॉर्मूले में जब पुट करके किस पे डिपेंड करता है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। जब हमने इवन वैल्यूज़ को इसके अंदर रखा तो कैसी पैरिटी आई, हमारी पॉजिटिव में वैल्यूज़ आई हैं, तो कैसी पैरिटी, ये हमारी इवन पैरिटी। इसीलिए हम इसको इवन पैरिटी बोलते हैं जब हमारी पॉजिटिव में वैल्यूज़ आती है, क्योंकि जब हम इवन वैल्यूज़ को इसके अंदर रखते हैं तो हमारी कैसी वैल्यूज़ आती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं। इसके बाद हम ऑड वैल्यूज़ को रख के देखते हैं। ऑड वैल्यूज़ क्या होती है हमारी, 1, 3, 5। जब हम इस फॉर्मूले के अंदर एल की वैल्यूज़ को 1 रखेंगे तो हमारी कैसी वैल्यूज़ आएंगी, नेगेटिव में वैल्यूज़ आएंगी। जब हम -1 इंटू क्यूब रखेंगे तो कैसी वैल्यूज़ आएंगी, हमारी नेगेटिव में वैल्यूज़ आएंगी। और इसी तरीके से जब हम 5 में रखेंगे कैसी वैल्यूज़ आएंगी। कहने का मतलब ये है कि जब हम ओड वैल्यूज़ रखेंगे इसके अंदर तो हमारी कैसी वैल्यूज़ आएंगी, नेगेटिव में वैल्यूज़ आएंगी। और नेगेटिव में अगर वैल्यूज़ आती हैं तो ये कैसी पैरिटी है, ये हमारी है ओड पैरिटी। कैसी पैरिटी है ये हमारी, ओड पैरिटी। जब हम इवन वैल्यूज़ रखते हैं तो हमारी कैसी वैल्यूज़ आती हैं, हमारी आती हैं पॉजिटिव वैल्यूज़। अगर हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं तो कैसी पैरिटी, ये हमारी इवन पैरिटी है। जब हम ओड वैल्यूज़ को इसके अंदर रखते हैं तो हमारी कैसी वैल्यूज़ आ रही है, नेगेटिव में वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर नेगेटिव में आ रही हैं तो कैसी पैरिटी है हमारी, ओड पैरिटी। तो हमारा ये फॉर्मूला है पैरिटी का, क्या है ये आपको याद रहना चाहिए। ये हमारा कैसा फॉर्मूला है, पैरिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या होते हैं, मान लो सपोज हमने ये ले लिया न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स होते हैं और क्या होते हैं हमारे, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इस तरीके से होते हैं। अगर हम प्रोटॉन्स की अलग से निकालें, न्यूट्रॉन्स की अलग से निकालें, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसका प्रोडक्ट कर देंगे। जब हम मतलब प्रोटॉन की अलग से निकालेंगे, न्यूट्रॉन्स की अलग से निकालेंगे, तो क्या कर देंगे हम, इस तरीके से हम इसकी अलग अलग निकालेंगे इस तरीके से। और माइनस वन इंटू एल की, एक बार एल वन की, एक बार एल टू की, एक बार एल थ्री की, इस तरीके से हम निकालेंगे। ये हमारी अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी, L1 के लिए अलग, L2 के लिए अलग, L3 के लिए अलग। ये क्या हमारी पैरिटी ऑफ न्यूक्लियस, किसके लिए है हमारी, सिर्फ एक एक वैल्यूज़ के लिए। जब हम एक एक का अलग अलग से निकालेंगे, और जब हम पूरे टोटल की निकालेंगे तो हमारी जो पैरिटी है वो डिपेंड करती है उसके मोमेंटम के अंदर। जब वो इस तरीके से मूव करता है तो उसकी वैल्यूज़ हमें किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके मतलब मोशन में, जो मोमेंटम के अंदर हमारी वो
इसके अंदर डिपेंड करती है, ये होती है हमारी पैरिटी ऑफ न्यूक्लियस। इससे पहले हमने ये किया था, इसकी वैल्यूज क्या आ रही थी हमारी, पॉजिटिव के अंदर आ रही थी और ऑड पैरिटी में क्या था, ये हमारी नेगेटिव में आ रही थी। ये थी हमारी इवन पैरिटी और ये कैसी थी, ऑड पैरिटी। आपको बस ये याद रहना चाहिए ऑड पैरिटी का फॉर्मूला। ये हमारे आपको पैरिटी ऑफ न्यूक्लियस के अंदर आपको ये सब पता होना चाहिए। ये मेन फोकस हमारा इनके ऊपर था, ये मैंने आपको सिर्फ समझाया था कि ये किस तरीके से आई हैं एग्जांपल लेकर। आपको सिर्फ ये याद रखना है इसके अंदर। हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं।